हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा एस के ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आज मैं फ्लावर की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की ले ली मैंने। अब इसको इस तरह से इसको ट्रायंगल में कट कर लेंगे। ये सारे हमको ट्रायंगल में कट कर लेने हैं, इस तरह से सारे ट्रायंगल्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब एक सुई धागा लेंगे और सुई धागा से हमको हम इस तरह से इसको नीचे से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से वे जितने भी हमने ट्रायंगल कट किए हैं उनको सबको हमको इसी तरह से स्टिच करते जाना है। तो चलिए सबको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है वो फ्रंट साइड से पिंक कलर का है और बैक साइड से ये ऐसे गोल्डन कलर का है। अब ये देखिए, ये हो गया है। ये सारे कंप्लीट कर लिए हमने। भी लास्ट वाले को भी हम स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। इस तरह से स्टिच कर लीजिए। अब स्टिच करने के बाद में सारी जो पत्तियों का शेप बना है उसको पकड़ के हम इस तरह से एक नॉट लगा के उसको वहीं पे अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगा के अब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम जो बीच का गैप है उसमें एक छोटी सी एक पोटली बटन लगा देंगे। पोटली बटन कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। अगर आप पोटली बटन बनानी नहीं आती है तो आप मेरा पोटली बटन वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी मैं बता रही हूँ आपको पोटली बटन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, स्क्वायर का शेप में आपको स्टिच करते जाना है। इस तरह से स्टिच कर लीजिए चारों तरफ से, स्टिच कर लीजिए इस तरह से। अभी जो बीच का जो भाग हमने छोड़ा था उसमें हम जो कतरन बचती है वो हम अंदर डालेंगे। इसके होल के अंदर जो बची हुई कतरने हैं हम उसको इस तरह से डाल के और ये धागे को इस तरह से खींचिए और इसको ये धागे को इसके ऊपर इस तरह से राउंड राउंड कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारी पोटली बटन बन चुकी है। अब इसको भी हम अच्छे से स्टिच कर देंगे ताकि ये खुले ना। दो तीन बार इसके ऊपर से ऐसे धागे को ले लीजिए ताकि ये वहीं पर अच्छे से फिक्स हो जाए और इसका शेप एकदम गोल बने। अभी जो नीचे का बाकी का हिस्सा है उसको भी थोड़ा सा लाइटर से जला लीजिए ताकि ये धागे दोरे इसके निकले ना। अब ये देखिए, ये जो होल बचा था फ्लावर के अंदर उसको हम उसके अंदर हम इस तरह से सुई की हेल्प से इसको हम अंदर पोटली बटन्स को अंदर डालेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। अब जो नीचे का भाग है उसको हम अच्छे से स्टिच कर देंगे। देखिए, इस तरह से स्टिच कर दीजिए ताकि ये वहीं पर फिक्स हो जाए और ये निकले ना। ये हो गया फिक्स। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया।